Hey guys, welcome back to my channel. आज हम एक रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं जो कि एक मेरा म्यूजिक वीडियो था. 4 साल हो चुके हैं उस म्यूजिक वीडियो को जिसका नाम है इश्क मौला. ओले भी फिर पर्दा दिख रहे हैं. अरे रिकॉर्डिंग हो रही है. अरे कल मुई क्या कल मुई. अरे यार तू कर को. गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. आज हम एक रिएक्शन वीडियो करने वाले हैं मेरे म्यूजिक वीडियो का जो कि 4 साल हो चुका है उस वीडियो को. उस वीडियो का नाम है इश्क मौला, शायद आपने देखा होगा. तो आज मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हैं हमारा देजा भाई. हेलो गाइज, सब्सक्राइब टू हिज वीडियो चैनल चैनल. ओके, वैसे ये जो वीडियो है वो 2 चैनल पे अपलोड हुआ है. एक में 500K प्लस व्यूज और दूसरे में 300K प्लस व्यूज. तो हम शुरू करने वाले हैं अपना रिएक्शन वीडियो. इस वीडियो में विल शेयर सम मोमेंट्स, उस समय के मेमोरीज, क्या क्या हुआ था एंड लाइक दैट. 1949 का मेमोरीज होना हो गया. नहीं वीडियो चलो बन काफी काफी 4 साल हो चुका है. तो उसमें आपका एज कितना था? लेट्स नॉट रिवील दैट. Okay, ready? Okay. Go. First of all, हम पूछेंगे कुछ नहीं. ये फूल कहाँ से तोड़ा था? Okay, ये फूल वो फूल नहीं है, वो ऐसे होके बिक रहे हैं वो फूल. ये काफी कमेंट्स में मैंने देखा था और जैसे कि भाई ने भी पूछा अभी ये फूल जो एक्चुअली क्या हुआ था कि हम फूल लाने भूल गए थे क्योंकि वो लोग फूल लाना भूल गए. फूल लाना भूल गया था. एंड वहाँ का माहौल ऐसा था कि सनराइज होने को था. एग्जैक्ट जो टाइम चाहिए था कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे. इसीलिए हमने क्या किया कि जो आजू बाजू में फूल था वहीं से तोड़ के सीन में यूज कर लिया. ओके, तो ये फूल जो आप जो तोड़े वो गंपा का है? हाँ गंपा का. आप लोग कोई मत तोड़ो दे. गाना अच्छा हमको ये अच्छा लगा. जगह तो नहीं है. हाँ ये व्यू बहुत मजा था. ये दिरंग मंडला देवी मंडला बड़ी. ये जो एक और क्वेश्चन बहुत सारा लोग जानने की कोशिश करेगा. अब जो जो मंच पे गया था ना, या मैं जैसे कि मंडला तोप हो गया ना वेस्ट कमिंग, वो कौन सा मंच पे गया था? तो मतलब तो क्योंकि और देखा जाए तो सुंदर है जगह ना. तो कौन सा समय पे गया था क्योंकि बहुत लोग जानने मन है. हाँ, भी है हमको ना. ये जो शूटिंग हुआ था वो मंथ था नवम्बर. तो नवंबर का मंथ में इसका व्यू जो कुछ इस तरह है. तो उसमें इतना ठंडा नहीं था, इतना एक्सट्रीम नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा तो था ठंडा क्योंकि ऑब्वियसली वो ठंडा जगह है. कि फिर कंटिन्यू आदमी का चमड़ा फर्स से नहीं करते. अब एक जगह में देखा अभी देखो. जब हम ये वीडियो देखा था उस समय में हम कहाँ पे था पता है? असम पे था. असम हमको तो लाइक नहीं होता है क्या इतना मजा वीडियो है बोल के ना. तो अब जब ये फर्स्ट टेक लिया था ना तो इतना टेक लिया था मतलब इसमें क्योंकि देखो ना इसमें वो एक तो शो आता था ना जिसमें एक तो ये जो नोट इसका कोई लड़का था जो एंकर करता था हम उसका नाम भूल गया. सेम ऐसे देखा मेरा सकल तो. हाँ सेम ऐसे लग रहे थे देखो ना. तो लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन. तो इसमें कितना टेक लिया था? टेक टू बी ऑनेस्ट याद नहीं है. बहुत सारा टेक था क्योंकि ऐसा था कि गाड़ी एक जगह पे रुकना था, टाइमिंग का जरूरी था, उसमें कैमरा एंगल मिलाना था. एंड जब मिल रहा था कभी कभी हो रहा था कि कैमरा ऑन नहीं हुआ, कभी ये हुआ कि गाड़ी थोड़ा सा आगे चला गया. तो इस वजह से काफी रीटेक लेना पड़ा. और ऐसा है कि जो कैमरा यूज किया था वो पैनासोनिक पैनासोनिक का ल्यूमिक्स था. सही पैनासोनिक का ना हमको मालूम है क्योंकि हम अच्छा एक्सपीरियंस किए. अच्छा तो उसमें क्यों सिनी लेंस लगा था. सिनी लेंस में क्या होता है कि आपको ये ऑटो फोकस नहीं होते तो क्या होता है मैनुअल फोकस होते. तो एक जगह आपको एक जगह पे रुकना पड़ता है ताकि फोकस पे एक माने के लिए ना.
और फोकस प्रॉब्लम बहुत हुआ होगा इसीलिए हाँ काफी हुआ था इसलिए बार बार ऋतिक लेना पड़ा। चलो देखते हैं थोड़ा सा। स्वीट 16 है नहीं रे क्यूट बॉय वाला। इसमें एक और क्वेश्चन पूछने वाला है ये स्पेशल एक्ट्रेस के लिए तुली दी के लिए मालूम हो गया कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है मालूम हो गया। पहनिए नजर नहीं तुली दीदी प्यारी था अभी भी प्यारी है लेकिन उसमें एकदम ओके जगह एकदम बढ़िया है क्लाउडी एकदम ओपन व्यू सुंदर है एकदम तरह बॉलीवुड टच देने की कोशिश किया ये जो ओके इसमें क्या हुआ था कि काफी लोगों ने बोला था क्या था ये कि लड़की को लेके काफी कमेंट था हीरोइन को लेके हम वही सवाल पूछने वाला था आप अपना मुख से निकाल देते मेरे दिल का बात आपका मुंह में आ गया। तो ऑडियंस के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि काफी लोगों ने बहुत ही खराब खराब से कमेंट किया स्पेशली ये बोला है कि लड़की प्रेगनेंट था हम तू भी ऑडियंस में डायरेक्ट बोल देगा तो बहुत लोग बोले कि लड़की प्रेगनेंट था क्या तो आप लाइक क्या बोल देगा मतलब एक तो क्लेरिफिकेशन तो चाहिए होता है। नहीं देखिए ऐसा है कि हाँ थोड़ा सा जो है एक्चुअली लोग क्या है कि ऑडियंस जब होते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्क्रीन में जो आ रहा है वो एक अच्छा दिखे परफेक्टली जो भी चीज़ आए ना तो इसमें भी हमने कोशिश की थी बट क्या हुआ कि जो हीरोइन है उन्होंने गलत ड्रेस चूज कर लिया एंड बहुत ही टाइट था वो ड्रेस तो दिखता भी है सो पेट इतना भरा भी नहीं है बट स्टिल अजीब सा निकला या वो मैं मान लेता हूँ थोड़ा अजीब सा थोड़ा एक्स्ट्रा निकला था बट ऐसा कुछ नहीं है मतलब जिस तरह से कमेंट्स आ रहे थे प्रेगनेंट वगैरह ये सब नहीं है बिल्कुल तो हम और एक कमेंट्स ऐसे भी देखा था कि कोई लोग ऐसे बोल रहा था कि वेस्ट कमिंग जा रहा था होगा तो रूपा में रुकने के बाद में खाना खाया था होगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा शूटिंग किया है ना या फिर गेस्ट्रिक था लड़की को जो गैस हो गया ऐसे निकला हुआ एक्स्ट्रा निकला हुआ तो देख अंडा जैसे तू भी खराब मत पाओ लेकिन तू भी उन्हें जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं वो भी एक्चुअली ये भी एक बात हो सकती है क्योंकि हम लोग जैसे कि हायर सी लेवल पे जाते हैं तो गैस होने लगते हैं सो वो एक रीजन हो सकता है जितना हमको पता है जो सेला पास का जो जो लेवल है ना वो शायद 14,700 है 13 के बीच में इतने में आई बहुत बढ़ जा चुके हैं फिर भी ये तो थोड़ा सा सिलेबस से कम है फिर भी पेट चिप्स देखो चिप्स का पैकेट हम लोग जब ऐसे लेके जाते हैं ना उसमें भी क्या होता है पता है चिप्स का पैकेट ऐसे होते हैं लेकिन जब टॉप लेवल में पहुंचते हैं चिप्स का पैकेट भी फूल जाते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। अभी एक जगह आएगा जिसमें जिसका डांस सिस्टम देखो बताओ ओके ये स्टेप जो है या थोड़ा सा आई डोंट नो थोड़ा सा शायद क्रिंज फील हो रही है बट हाँ हो रहा है हमको हमारे डायरेक्टर कम कोरियोग्राफर ने ये स्टेप निकाला था कि ये गाना पे इस तरह से स्टेप हो नहीं सो डांस का स्टेप खराब नहीं है लेकिन बिहू बिहू का सीजन ऐसे नहीं बिहू का डांस है तो ये ना अभी जब इतना समय आने के बाद में आपका सर अभी आपका बहुत सारा मूवीज वगैरह आ चुका है ना और अब बाहर भी लाइक बॉलीवुड लेवल भी काम कर चुके हैं तो बहुत सारे म्यूजिक वीडियो का तो आपका अभी बहुत ज्यादा हो चुके हैं अभी जब आप इसको वापस देखते हैं उस समय का वीडियो को ना अभी उस समय डांस स्टेप को तो कैसा वाला फील आता है खुद को क्रिंज लगता है या फिर लगता है कि हाँ हम ग्रोथ कर चुके हैं नहीं क्रिंज यार इस पर्टिकुलरली इस पे नहीं लेकिन कुछ कुछ वीडियोस ऐसा है जो पहले जो पहले का देखता हूँ तो या लगता है कि बहुत सारा चीज़ में इम्प्रूव हो सकता था कुछ और तरीके से कर सकता था तो लेकिन द सेम टाइम जब देखते हैं तो रियलाइज करते कि हम कहाँ से कहाँ आ गया तो वो चीज अच्छा मत भाई हमको यहाँ में दिख रहा है हाँ वहाँ पे अच्छा था ये ये
छोटा छोटा चीज को आप खुद से इम्प्रोवाइज किया या फिर कोरियोग्राफर तो आपको ये करो नहीं कोरियोग्राफर नहीं हम ये चीज तब करते हैं जैसे अभी मेरा बाल लंबा है ना अभी मेरा बाल लंबा हो गया तभी हम इसको ऐसे 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 करते रहते हैं आपका ये वीडियो में आपका बाल भी लंबा नहीं है बाल छोटा था ऊपर से चेन लगाए थे फिर भी पता नहीं किसी ने कमेंट भी किया था कि हीरो इसमें SRK का स्टाइल क्यों मार ऐसा नहीं था बट क्या हुआ कि गाना चल रहा वी हैव टू एक्ट कोई प्री प्लान नहीं था तो ऐसे ही हो गया बस निकल गया क्योंकि ऑब्वियसली सर SRK का फैन सब कुछ है ना सब है ना Yes, लेकिन ये जगह बहुत सुंदर मंडला मंडला टॉप या मंडला इसमें मैं बर्फ नहीं गिरा था ओके इसमें भी एक बात था कि मैंने जो फ्लावर दिया लड़की को एंड जो स्मेल कर रहा था फ्रेग्रेंस को इसमें कोई कमेंट किया था कि नकली फ्लावर क्यों ऐसे कर रहे हैं नकली था वो नहीं सच में फेक था फ्लावर जो फेक था नहीं हम जब हम अभी तक नोटिस नहीं किया था वो फेक था क्योंकि मंडला टॉप पे अच्छा अच्छा फ्लावर्स मिल जाते नहीं एक्चुअली ये जो सीन है रात का तो दिरांग में करने को था बट इतना ठंड था रात को तो हम शर्ट पहना हुआ है एंड वो जो है गाउन पहनी हुई है तो इतना ठंडा बहुत ठंडा तो मुश्किल हो रहा था तो क्या किया कि ईटानगर वापस आ गए दिसंबर का ही महीना था नवंबर दिसंबर के बीच में था एक दिन निकाला रात को दोईमुख के नदी खेल गया में क्या था कि स्टिल इस जो कपड़ा वपड़ा जिस तरह से पहने ठंडा तो था ठंडा क्योंकि उसमें नवंबर का महीना था दिसंबर नवंबर दिसंबर बीच में ऑब्वियसली बहुत ठंडा हुआ होगा इतना बड़ा लाइट लेके कौन रात को कैंपिंग जाते हैं बैकग्राउंड में बड़ा लाइट दिख रहा है तो मैंने बोला था धर्मेंद्र को कि वो लाइट तो दिख गया तो नहीं कुछ नहीं एक वो भी एक तरह का एनहांस कर रहे हैं कैंप फायर है यहाँ पे आग जल रहा है वहाँ पे लाइट है सो चल रहा नहीं मतलब वो इधर रात को देख इजीली देखा जाए इधर रात की तरफ बड़ा लाइट लेके कौन जाएगा हाँ ये दिरंग है अभी पहुंच के दिरंग द्विमुख से ओके कैमरा ट्रिक्स नो ये जगह ये दिरंग नहीं है दिरंग से थोड़ा नीचे में दिरंग से थोड़ा नीचे शांति वैली अच्छा तो ये बहुत ही सुंदर जगह वो जो पीछे घर है वो आदमी का घर है ना नहीं इट्स लाइक ए फार्म फार्म ऐसे रहता है शिप वगैरह हाँ भेड़ बोलते हैं हाँ भेड़ शिप वगैरह वो या होता है एंड शायद ऐसे ही आई डोंट नो एक्चुअली उसका पर्पस क्या है बट किसी का घर नहीं है घर नहीं है ना हाँ या तो विजिटर्स आते हैं देखने के लिए रखा है या फिर या कुछ फार्म के जैसे यूज करते हैं दिल तोड़ दिया वाला ये तोड़ और हाँ हाँ ये ड्रेस के बारे में हाँ बहुत सारा लड़की लोग का कमेंट्स आया था कि कोई पर्दा को काट के पहन लिया गया बोल के नहीं सच में आया था ये कमेंट्स था यस यस तो लाइक ये इसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या मतलब कहीं से सच में ये पर्दा चोर करके पहनाया था या फिर कहीं से खरीदा था इसकी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं इसका एक्चुअली पर्दा तो बिल्कुल नहीं था किसी को दिया था बनाने को किसी डिजाइनर को दिया था पता नहीं कौन था याद नहीं आया लेकिन दिया था बट पता नहीं हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना घटिया लगेगा इस पे ना क्योंकि जब रियल में पहना था तब ठीक लग रहा था तो लेकिन जैसे कैमरा पे आया ऐसा लग रहा है कोई पर्दा या फिर प्लास्टिक क्योंकि जो हम लोग जो कैमरा के समय पे जो रिफ्लेक्टर यूज करते हैं वो आदमी का जैसे कि शैडोज वगैरह को रिफ्लेक्ट करने के लिए उसका कपड़ा लग रहा है डायरेक्ट और हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन सब लोग बोल रहे हैं और ऐसे भी हो सकता है कि उनका भी फर्स्ट फिल्म था और जो डायरेक्टर था उनका भी फर्स्ट फिल्म था ये जो कैपिटल वन ना तो कुछ कुछ चीज को ना मतलब आप कंटिन्यूली नहीं अच्छा से नहीं कर पाते हाँ। तो ये फिल्म को देखिए अभी जो पार्ट टू साइज में अच्छा से किया होगा हाँ, काफी तो, मतलब काफी ये सब चीज को जो ध्यान रखा हाँ। है मतलब बहुत सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट आया तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये पर्दा नहीं है हाँ, पर्दा किसी का पर्दा बच गया
चलो ये जो सिंगर था हाँ वो अच्छा गाना गाते हैं मालूम है आता ना इज फ्रॉम रागा रागा का है कि मालूम है ना आता को तो हाँ हाँ मिला है तो जिसमें उसका पता नहीं तोतला था ना क्या था वो जो उसका बहुत सारा टोन जो होता है ना और कमेंट्स में इतना बोला है उसका लेकिन अब जब रियल में उसको सुनेगा ना उसका आवाज फैंटास्टिक है हाँ ये मैंने भी फील किया जब गाना रिलीज होने से पहले भी हमने बोला था डायरेक्टर को कि शी इज अ गुड सिंगर ना लेकिन उनका जो वॉइस है वो अगर लोकल वॉइस लोकल गाना है गाने को गाए या फिर वो सिंगल पे जाए तो बहुत अच्छा लगेगा ये तो डायरेक्ट ये वाला हो गया कि योर अरुणाचल एक्सन इज सो गुड सेड अगेन वाला नहीं होता क्योंकि तुझे 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 ये आ रहा है और एक तोतला वाला फील आ जाता है तो मतलब ऐसा भी नहीं बस थोड़ा मैच नहीं हो रहा जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेल वॉइस है बालोदेमो का इज अ फैबुलस सिंगर तो उनका जो मिठास है आवाज में बहुत अच्छा है मैच्योर वाला आवाज है हां सुंदर उसके साथ जो फीमेल वॉइस है वो मैच नहीं कर पा रहा है सो इस वजह से जो ऑडियंस है इवन हम भी जब ऑडियंस बन के देखते हैं सुनते हैं तो इतना जो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन है वो नहीं मिलता और बाय द वे ये फिल्म में क्या कि लास्ट में जाने के बाद में जो YouTube में जो गाना था बाद में जाके गाना को से चेंज कर दिया जो अनुमरा जो सिंगर है उसका आवाज को फिल्म मूवी में उसका आवाज को डाला है क्योंकि ऑब्वियसली इतना सारा कमेंट्स वगैरह आने के बाद में शायद डायरेक्टर को भी पसंद नहीं आया होगा तो अनुमरा का तो अच्छे से मालूम है अच्छा गाते वो फिर उसमें भी बहुत सारा कंप्लेन आया था चलिए कंटिन्यू करते नाक से आ रहा था कंप्लेन किया था बेचारे देखे वो टेंगा वाला आवाज आ गया था या फिर तो पीछे में वो ये वाला पीलू देखा हम क्या करेंगे अभी कुछ तो करना पड़ेगा अपने दाढ़ी को चू दे कुछ तो करना पड़ेगा लकी नहीं वो एक तो न्यू फिल्म आया ना वो क्या था किसी का भाई किसी का जादू उसका जिसमें रिश्ते तो नहीं के वो बोला ऐसा था ओके कोई प्री प्लान नहीं था इसमें तो म्यूजिक जो लंबा गाना जो बहुत लंबा जा रहा था तो इसमें क्या करे क्या करे तो ये भी डायरेक्टर का ही सोच है तो मैंने बोला था ये बहुत ही क्रिंज लग रहा है कि मैं देख ही रहा हूँ सर पकड़ना फिर जान बुझ की लेकिन चलो फाइनली यही डिसाइड हुआ और क्योंकि और अदर ऑप्शन था भी नहीं होगा हाँ डांस का डांस को लेकर कोई भी एक कोरियोग्राफर नहीं रखा होगा हाँ नहीं था, ये था ना? तो डांस को लेकर नहीं था तो ये बहुत ही एक बोलता एक नेगेटिव पॉइंट रहता था ऑब्वियसली है कि एक होना चाहिए था डांस के और यहाँ पे था कि कोरियोग्राफर ना होने के कारण हमें ही आपस में सोच के निकालना था तो एक मूवी में एक एक्टर जो हम लोग अरुणाचल पे एक्टर नहीं रहते मैं खुद भी जब देखता हूँ तो मैं देख नहीं पाता बच्चों ने इतनी नहीं पकड़ता था कि भगा भगी खेलेगा बोल के नहीं खेलता था ऐसे लग रहा था चलो कंटिन्यू करते हैं उस समय हाँ नया ही था उस समय की बात है तो ये जो सीन है लेकिन हाँ बहुत ऐसा था कि
मैं बाइक चला रहा हूँ, वो आगे लेटी थी एंड मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, रास्ता बिल्कुल ब्लैंक था, आगे में बस वो था, तो अंदाजा थी कि मैं पूरे अंदाजे में चला रहा हूँ, तिरछी नजर से मैं साइड लाइन को देख रहा हूँ हाईवे का, उसको देख के मैं चला रहा हूँ बैलेंस रख के, तो बहुत मुश्किल था। एंड इसके बाद डायरेक्टर ने ये भी चाहा था कि ये हीरोइन जो है वहां से चलते चलते पीछे आए, हमने कोशिश भी की थी बट बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था, बाइक हिल रहा था, गिरने गिरने को था, तो हमने कैंसिल किया क्योंकि यहाँ पे इतना टेक्निकली हम लोग यहाँ सेफ्टी नहीं है। एंड प्लस जो जैसे कि बाहर हॉलीवुड बॉलीवुड में क्या करते हैं वो लोग, बाइक को टो करते हैं या फिर किसी गाड़ी में रखते हैं, इसके बाद जो एक्शन है वो करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी असिस्टेंट नहीं था, हम लोग खुद से चला रहे, बैलेंस भी करना हो रहा, ध्यान भी रखना पड़ रहा है, तो ये सीन थोड़ा मुश्किल पड़ गया था। बाहर में ऐसे होता है कि ऐसे वाला सीन चाहिए होने से ग्रीन स्क्रीन पे करते हैं, या ग्रीन स्क्रीन या फिर आप लोगों को गाड़ी बाइक को सपोर्ट दिया जाता है, नहीं सेफ्टी, क्योंकि एक मूवी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी का लाइफ, यस यस, और आप खेल नहीं सकते उसका साथ में, और यहाँ पे ऐसा नहीं था, और हमें सेफ्टी का बिल्कुल, हम लोग गिरते भी तो समझ गया आज की रिएक्शन वीडियो में बनना था, तो जितना हो सके हमने लिया एंड एकदम रो है ये बाइक का सीन, जो एकदम कुछ भी एडिट वगैरह नहीं है, जैसे था वैसे लिया, तो हम उसको हरा देंगे। या एंड इसके साथ मुझे एक्सप्रेशन भी देना पड़ रहा था ये अब ये यूपीएस स्टेडियम नया नया बन रहा था, हाँ पूरा सुन लो पूरा हम नहीं वीडियो को पढ़ से हम देख रहे थे वो ये ना इसमें अगर वीडियो को ऑफ कर देगा, गाना को ऑफ कर देगा, उसमें एक तो साउंड लगा देगा ना वो वाला सच, हम डबिंग करेंगे इसको ना, वाह क्या फिर भी वाह अय्या सॉरी गाइस पूरा सुन के मेरा जैसे यामी नहीं के राइट साइड में दिल ने कलर वगैरह एकदम ठीक है, मतलब जो इंडियन का जो गोल्डन आवर होता है ना इसकी मैं काफी टाइमिंग मैच करके हमने दिन गुजारा था वहां पे, सेकंड हैंड का तो नहीं है ना जैकेट जो सॉरी सेकंड हैंड ठीक तो अच्छा सुनते हैं क्या घर चल रहे हैं वो पता नहीं फैक्ट्री वहाँ अच्छा वो फैक्ट्री जिसको बैन करने समय आदमी धमकी दिया था वीडियो जो क्वालिटी है ना वो बढ़िया है बहुत बढ़िया थैंक्स टू कतुंग भैया काफी अच्छा काम किया उन्होंने, तो अभी बात करें तो कतुंग सर के बारे में बता दीजिए एक दोस्त लाइक जाइक बोल रहा है लाइक को उनका एफोर्ट किया था एफोर्ट कतुंग भैया का जैसे कि मेरा भी फर्स्ट प्रोजेक्ट था उनके साथ तो काम करके बहुत अच्छा लगा, काफी शांत स्वभाव के इंसान है और उनका एक अच्छे इंसान नहीं बल्कि काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो इस समय जो भी अब कलरिंग ये वीडियो का बहुत आदमी ने तारीफ किया तो सब उन्हीं का है एंड इसको भी उन्होंने गाड़ी के पीछे बैठ के जो लिया है एंगल को मिलाने के लिए तो बहुत, क्योंकि ये जो कैमरा था वो पैनासोनिक का था मेरे से बताया है, उसमें मैनुअल लेंस लगता है सिनी लेंस ना तो ऑटो फोकसिंग का प्रॉब्लम बहुत होते हैं तो ऑब्वियसली पूरा मैनुअली किया होगा और आप लोग विश्वास नहीं करेगा अरुणाचल में शायद जो अच्छा क्वालिटी का मूवी दिया है जैसे कि एक 4K लेवल का और जो कलर ग्रेडिंग वगैरह ना तो शायद वो कतुंग सर हो गया गुमते सर हो गया वो लोग ही दिया है, क्योंकि उससे पहले जितना भी मूवी आया वो सब का क्वालिटी आप अगर देखिएगा तो अभी के समय में वो बहुत गंदा है
क्योंकि उस समय में ऑलरेडी इतना अच्छा अच्छा मूवी निकल चुका था जो कि एकदम हाई क्वालिटी देता था, पर शायद ये और एक और एक दो दो फिल्म है जो एकदम डबिंग में भी बेस्ट था, जैसे और इसका डबिंग शायद वो किया था केखो, केफोर केखो किया था, वो एकदम बड़े वाले इंसान है, तो वही है मतलब एक क्वालिटी लेवल का काम हुआ है कैपिटल वन में, मतलब बोल सकते हैं और हुआ भी, हम लोग देख के भी लगता है कंटेंट का पता नहीं पर क्वालिटी ठीक था। खत्म हो गया तो यार गाना यार सेवन सात मिनट 37 बहुत लंबा गाना है ये जो पीछे जो आदमी आ रहे स्कूटी में वो लोग को रेंट पे बुलाया था ना, वो सच में भी रास्ता से जा रहा था जिसको बोला है कि चलो चलो शूटिंग करेगा, वो लोग कहते क्योंकि पीछे में देखो ना कोई बाइक में है कोई स्कूटी में है और कोई तो मतलब हंस रहे हो क्या कर रहे हैं हम बोल के नहीं होते आगे में तो गाड़ी देखो वो इसमें एक्चुअली ऐसा था कि प्लानिंग ऐसा था जो एंडिंग सीन है वो हम गाड़ी पे आगे जाएंगे एंड कुछ लोग पीछे से बाइक स्कूटी पे आएंगे, तो इनको बुलाया था सुबह से शाम हो गई बेचारे वो भी थक गए, हम लोगों ने लंच भी वगैरह होलोंगी जा रास्ता हुआ और एक जगह मुझे क्लियरली देखा मिल रहा है कि लड़का के पीछे लड़का बैठा हुआ है देख रहे वो लड़की ने लड़का पता नहीं लेकिन ऐसे लग रहा है कि लड़का के पीछे लड़का बैठा हुआ है, नहीं वो लड़की है, लड़की है क्या, इतना तो मैनेज हुआ एंड ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं चला रहा हूँ एंड साइड से मैं वेव कर रहा हूँ, तो शायद मुझे लग रहा था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, नहीं वो बिल्कुल भी गलत है क्योंकि कुछ कुछ सेंस बनते हैं कुछ लॉजिक इसमें कुछ रोमांटिक सीन होने से एक बात था ना ये हो क्या रहे वो एकदम सीन्स कुछ पता बता ही नहीं रहे मतलब कुछ भी स्टोरी टेलिंग ही नहीं है, मतलब वो आगे लड़का गाड़ी चला रहे पीछे बैठ रहे वो क्यों ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब अगर वो लोग का दोस्त है तो कोई भी दोस्त को ऐसे करेगा नहीं, अगर दोस्तों होने से दोस्तों भी गाड़ी पे जाएगा तो और पीछे शायद कोई रैंडम इंसान होता होगा लड़का लड़की तो उसको जैसे कि सी देखो हमको हम एक तो चेवरलेट का क्रूज गाड़ी पे है और हम बाहर निकला हुआ है हम देखा रहे खुद को क्या पता चला गाड़ी पे जा रहे हैं बोल के अय्या ये फिल्म इसका बात जो हीरोइन है ये जो सनरूफ पे खड़ी है तो इसको भी शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था इसलिए कि एक स्पीड मेंटेन करके जाना पड़ रहा था, स्पीड जो स्लो होने से क्या होता था कि झटके आ रहे थे तो शुरू में थोड़ा तकलीफ होता है एंड देन ठीक गाना गाना बेस्ट है गाना एकदम बढ़िया तो ओके आज का रोस्टिंग इतना देखो सॉरी रिएक्शन रिएक्शन कम रोस्टिंग हम तो एक्सपर्ट है रोस्टिंग करने में तो शायद काफी लोग ये पूछेंगे कि म्यूजिक वीडियो में जो ये रिएक्शन दे रहे हैं तो कैपिटल वन कब देखने को मिलेगा काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी तक तो यूट्यूब में दे दो, लेकिन मैंने डायरेक्टर को बोला उन्होंने बोला कि यूट्यूब में वो नहीं डालेंगे बल्कि एक ऐप है अरुण गुट जो उन्होंने बनाया है जहाँ पे अरुणाचल मूवीज वहाँ पे अपलोड होंगे तो आप लोग शायद वहाँ जाके देख सकते हैं, अभी तक लॉन्च हुआ नहीं तो सर वो फ्री में तो नहीं होगा, फ्री में रनो शायद वो कह रहे थे कि शुरुआत में फ्री में होंगे तब तो ठीक है शुरुआत के लिए, बट आफ्टर दैट शायद जैसे कि बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके जैसा होगा तो तब देख लेते हैं काइंड ऑफ अरुणाचल नेटफ्लिक्स जैसे कि हम म्यूजिक वीडियो को देखा और हम ये कैपिटल वन में ये म्यूजिक वीडियो में शायद हम नहीं था उसका बाद शायद हम आए हैं आने के बाद में हम लोग उसका थोड़ा सा मिलाए तो मेहनत किया है बहुत सुना है बहुत और सीखा भी बहुत है बहुत कुछ सीखा है एंड देन ओवरऑल म्यूजिक वीडियो ठीक है बस कंप्लेनिंग करना कोई छोड़ेगा नहीं और कंप्लेन आदमी करके जो आदमी जो फीडबैक लेता है ना ऐसे वाला आदमी को हमको अच्छा लगता है, अभी अगर नहीं लेके भी सेम चीज बनाते हैं बोलने से तो उसको ये तो वो है बोलेगा हम तो ठीक है और जैसे कि लोग बोलते हैं कि मेरे लिए ऐसा है कि लोग ट्रोल करते हैं मैं दो तरीके से लेता हूँ ट्रोलर्स को, एक जो जेन्युइनली ट्रोल करते हैं कि कुछ खराबी है तो मैं उसे देखता हूँ कि हाँ मुझे भी लगता है कि शायद इसे बेहतर कर सकते हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रूव करने के लिए करता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद वीडियो देखते हैं लेकिन दोस्तों के गलत कमेंट करते हैं, वीडियो शुरू हुआ नहीं डिसलाइक एंड गालियां देना या शुरू स्पेशली हम लोग ऐसा बहुत सारे लोग हैं तो मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ
सो खैर फिलहाल के लिए इतना ही, ये काफ़ी लंबा हो चुका है, तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।